गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YMCC हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ स्पायरोमेट्री इन COPD। देखिए, स्पायरोमेट्री का एक बहुत ही सेंट्रल रोल होता है COPD के डायग्नोसिस में। हम क्लू तो ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, बट इस चीज़ का डायग्नोसिस अंततः जो होता है वो स्पायरोमेट्री पे होता है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज स्पायरोमेट्री। बेसिकली हम इसको कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक कंप्यूटर के माध्यम से उसकी हवा को जो है वो हम मापते हैं, उसको मेजर करते हैं कि वो एक सेकंड में या टोटल ड्यूरेशन विच में हैपन ओवर 4 to 5 seconds वो कितनी हवा निकाल पाता है। तो ऐसा देखा गया है कि COPD में फेफड़ों की जो है ताकत कम होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाते। उनकी हवा जो लेने की और छोड़ने की क्षमता में असर पड़ता है, उसी चीज़ को हम स्पायरोमेट्री के जरिए मापते हैं। आगे बात की जाए तो स्पायरोमेट्री का हमारा क्या एम क्या होता है। सबसे पहले एम तो होता है कि हम उसको COPD को डायग्नोज कर पाएँ और ये देख पाएँ कि COPD कितनी सीवियर है। तो इसकी सीवियरिटी के ग्रेड्स होते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल है, उसके बारे में हम अगले कभी नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो है सीवियरिटी ऑफ COPD कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री। दूसरा जो होता है कि प्रोग्नोस्टिकेशन, जब आप COPD को डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका आने वाली ज़िंदगी में क्या उसका प्रोग्नोसिस होता है, वो पेशेंट को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जैसे कि अगर तो फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर है, तब उनमें COPD को ठीक करने की संभावना कम होती है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कि हमारा रिस्पॉन्स टू थेरेपी कितना आएगा। पेशेंट को COPD है, अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको दवाइयों से उतना आराम आने की संभावना नहीं होती है। तो ये हम उससे पेशेंट से हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं ताकि पेशेंट और जो डॉक्टर का रिलेशनशिप होता है वो एक सत्य पे आधारित हो। चौथा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम बाकी बीमारियों से इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे हेल्प करता है, क्योंकि ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि स्पायरोमेट्री की रीडिंग अलग तरीके से होती है, COPD में अलग तरीके से होती है। तो इसमें एक ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होता है मेन, क्योंकि COPD को कंफ्यूज किया जाता है ब्रोंकियल एस्थमा के साथ। तो ये इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है जिससे पेशेंट की ट्रीटमेंट को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इसको डायग्नोज करने के बाद इस COPD पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।